हथियार के साथ तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। बता दें कि मुड़ू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुमपुड़ू में एक मामले को लेकर मुड़ू पुलिस बल द्वारा अपराधियों के विरुद्ध जाँच की जा रही थी। वहां जाँच कर रहे पुलिस को देखकर एक व्यक्ति अचानक वहां से भागने लगे, जिसके बाद पुलिस को उस पर शक हुई और पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद जब उनकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक 9mm का लोडेड देसी पिस्टल और 9mm का जिंदा गोली भी बरामद किया गया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम सहदेव कंडीर, पिता बुधवा कंडीर, ग्राम कोटा, थाना मुढ़ू, जिला खूंटी बताया गया। वहीं गिरफ्तारी के बाद आगे की पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार व्यक्ति ने बताया कि मुढ़ू थाना क्षेत्र अंतर्गत 8 सितम्बर को कंबल व्यवसायी के साथ हुई लूटपाट की घटना में वो भी शामिल था। इसके पहले ये भी बता दें कि मुढ़ू थाना क्षेत्र अंतर्गत 9 सितंबर को कंबल व्यवसायी के साथ कंबल और मोटरसाइकिल की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति भी शामिल था और इसने अपने दो सहयोगियों का भी नाम बताया, जिसमें कि सुदर्शन सोय, उम्र लगभग 20 वर्ष, पिता डेविड सोय, ग्राम जामड़ा, थाना मुढ़ू। दूसरा अमित कंडीर, उम्र लगभग 19 वर्ष, पिता सनसोन कंडीर, ग्राम गुमपुड़ू, थाना मुढ़ू, जिला खूंटी भी शामिल था, जिसके निशानदेही पर पुलिस ने आगे की कार्यवाही करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल सभी तीनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं अगर बरामदगी की बात करें तो पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से देसी पिस्टल और एक मैगजीन, 3 राउंड 9mm का गोली और लूटा गया 15 कंबल और एक मोटरसाइकिल व 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। फिलहाल सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं इस विषय को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी उपलब्ध कराई है। ग्राम गुमपुड़ू के पास इन लोगों को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा, उसको सशस्त्र बल के साथ खदेड़ कर पकड़े जाने पर तलाशी लिया गया उनका। उसकी तलाशी क्रम में उसके पास से एक 9mm का लोडेड पिस्टल, देसी पिस्टल जिसमें मैगजीन लगा हुआ था और 3 जिंदा राउंड भी इसमें इंसर्ट किया हुआ था। उक्त गोली पिस्टल के बारे में पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया, उसको बरामद किया गया। इसके बाद डिटेल पूछे जाने पर उसने अपना नाम सहदेव कंडीर, पिता बुधवा कंडीर, जो ग्राम कोटा, थाना मुरू का ही रहने वाला है, और उसकी तत्पश्चात उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर जो पूर्व में मुरू थाना में दिनांक 8/9/2022 को, आप लोगों को भी जानकारी होगी कि वो ग्राम गुमपुड़ू से ही दो खूंटी से दो व्यापारी जो कंबल और चादर वगैरह बेचने का काम किया करते थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उन लोगों को मारपीट कर और उनसे मोटरसाइकिल, स्कूटी और उनके पास जो बेचने वाले कंबल थे, पैसे और मोबाइल की लूट की गई थी। उक्त कांड में इसने अपने संलिप्तता स्वीकार की और उसके निशानदेही पर ही थाना की पुलिस द्वारा दो अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसका नाम सुदर्शन सोय और सुधीर सोय, पिता डेविड सोय, ग्राम जामड़ा, और तथा दूसरे का नाम अमित कंडीर, उम्र करीब 19 वर्ष, पिता सनसोन कंडीर, जो कि ग्राम गुमपुड़ू का ही रहने वाला है, खुटी जिला के मुरू थाना अंतर्गत ग्राम गुमपुड़ू का रहने वाले, इसी भी गिरफ्तारी की गई। उनकी निशानदेही पर एक लूटा गया जो लूट के कारण एक मोटरसाइकिल है उसको बरामद किया गया, 2 मोबाइल बरामद किया गया और साथ ही जो उन व्यापारियों से जो कंबल लूटे गए थे उन कंबलों की भी बरामदगी की गई है। इसके अलावा उक्त अपराधी की हम लोगों को एक मुरू थाना में कांड दिनांक 3/11/2022 को एक मोटरसाइकिल लूट ली गई थी ग्राम पसरा बेड़ा के पास। उक्त कांड में भी 6 अपराधियों कर्मियों का नाम आया था, जिसमें 4 की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। कांड में जो लूटा हुआ मोटरसाइकिल था वो बरामद किया गया है और उसके मोबाइल भी बरामद किया गया। उक्त कांड में भी ये सहदेव कंडीर नामक अपराधी मुख्य रूप से संलिप्त रहा है। इसके अलावा उक्त अपराधी के खिलाफ मुरू थाना कांड संख्या पूर्व में 4520 जो कि आर्म्स एक्ट और 17 CLA कैसे उसके तहत ये आरोपित है। इसके अलावा जो चाईबासा जिला के टेबो थाना अंतर्गत भी कांड संख्या 3/20 दिनांक 28/2/22 जो कि लूटपाट का केस है, इसके केस में भी वो आरोपित रहा है। ये चाईबासा जेल में भी काफी दिन तक रहा है। जो छापामारी हुई जिस बरामदगी में जो मुरू थाना के थाना प्रभारी चूड़ामणि टुटू, पुलिस अवर निरीक्षक लक्ष्मण चौधरी, पुलिस अवर निरीक्षक बलराम कुमार सिंह
और पुलिस निरीक्षक सुशांत सुंडी सभी मुरु थाना के हैं, और साथ में मुरु थाना के सशस्त्र बल और सैट बल के जवान की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी रही इन लोगों के प्रयास से। ये कांड को दो दो कांड का उद्भेदन हुआ, जो लूट के कांड थे इनका उद्भेदन हुआ, और एक देसी पिस्टल और उसके मैगजीन और गोली की बरामद की। तो खूंटी जिले की खबरों के लिए जुड़े रहिए झारखंड टुडे के साथ और देखते रहिए खूंटी जिले की खबरें।